भाई जब से ये इंस्टाग्राम आया है ना, और इंस्टाग्राम पे जब से ये रील का ऑप्शन आया है भाई, एक से एक नमूने, एक से एक चूतिया पे देखने को मिल रहे हैं भाई। मार्क जकरबर्ग ने भाई रील्स का ऑप्शन निकाला था लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के टैलेंट के लिए, लोग अपना टैलेंट प्रदर्शन करे, एंटरटेनमेंट करे। भाई ये तो हद ही पार हो गई। लोग अपने पेशे को, मतलब क्या कहते हैं, अपने काम को लोगों का एंटरटेनमेंट बना रहे हैं भाई। अब ये देख लो, इसमें क्या है देखने लायक? मतलब एक डॉक्टर एक बंदे की गांड का बवासीर निकाल रहा है, गांड का ऑपरेशन कर रहा है, उसमें हम क्या देखे भाई? अब ये बता दो तुम भाई, है कुछ कुछ लॉजिक है इसमें? अब दूसरे अगला बंदा दूसरे बंदे की गांड में चीरे चूरे लगा रहा है, उसकी गांड में से बवासीर का फोड़ा निकाल रहा है। अब उसमें हम देख के क्या एंटरटेनमेंट करे, हमारा क्या इंटरेस्ट? अब मतलब यही रह गया है कि इंस्टाग्राम पर दूसरों की गांड का बवासीर देखे। मतलब इतना जो बवासीर फैला हुआ है इंस्टाग्राम पे वो कम था जो अब ये भी देखना पड़ रहा है। हद हो गई भाई हद। ऊपर से बंदों का चेहरा भी दिखाया जा रहा है। अब सोचो अगर उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार या करीबी किसी बंदे ने ये वीडियो देखी होगी तो इस बंदे के दिल पे क्या बीत जाएगी? वो तो आके कहेगा भाई तू वही है ना जिसकी गांड खोल रखी थी और उसमें कैंचिया घुसाई जा। अगर इस बंदे ने भाई सबसे छुपाया हो कि भाई मेरे को बवासीर है, लेकिन इस डॉक्टर जी ने सबकी पोल खोल दी कि हाँ इसको भी बवासीर था, इसकी गांड में कैची दे कि बवासीर का फोड़ा निकाला गया। ओ भाई हद पार कर दी भाई। डॉक्टर मुझे लगता नहीं था डॉक्टर इतने भी मजाकिया हो सकते हैं, मुझे लगता था डॉक्टर बहुत सेंसेबल होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन भाई इस डॉक्टर ने ह्यूमर की माँ बहने कर दी, नेक्स्ट लेवल ले गया भाई ह्यूमर को भाई। खतरनाक वीडियो भाई, खतरनाक।